नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज एके गोपाल कॉलेज के समीप मालवाहक वाहन और मैजिक वैन के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे मैजिक में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए ग्रामीणों की मदद से सुल्तानगंज रेफर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। इधर सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वैन को कब्जे में ले लिया और इसके बाद थानाध्यक्ष भी रंजन घायलों से मिलने रेफर अस्पताल पहुंचे और गंभीर रूप से सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से मायगंज अस्पताल भेजा। वहीं इस दौरान रतेठा गांव के रहने वाले एक घायल ने बताया कि वो सभी हवेली खड़गपुर रतेठा के रहने वाले हैं और गाँव से शव यात्रा में शामिल होने वाहन से सुल्तानगंज शमशान घाट जा रहे थे, तभी पिकअप वैन ने उनकी मैजिक गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण वो सभी घायल हो गए। घायलों की पहचान रामचंद्र तांती, अमित तांती, बैजनाथ सिंह, धनंजय सिंह, प्रभु तांती, महेंद्र तांती, विजय तांती, भैरव सिंह, प्रमोद तांती, अशोक तांती के रूप में हुई है। कौन गाड़ी? क्या मैजिक में हम लोग बैठे थे। मैजिक में? मैजिक क्या पलट गया? पलटने की आगे तो वो मालगाड़ी ने ठोक दिया। पिकअप है? हाँ पिकअप। मैजिक में? मैजिक आगे ठोक दिया। कितना लोग घायल हुआ? सबको ये गया, 15 आदमी था उसमें। कितने लोग घायल हुए हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सिटी कॉलेज में मद निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस और प्रश्नों के उत्तर लिखे पर्ची के साथ पुलिस ने आधा दर्जन परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान सबसे पहले 26 वर्षीय छात्र पंकज कुमार को पुलिस ने ब्लूटूथ डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया, जबकि अभ्यर्थी ऋषभ कुमार के पास से प्रश्नों के उत्तर लिखी पर्ची बरामद हुई। इसके अलावा अन्य सभी परीक्षार्थियों के पास से भी ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुआ, जिसके बाद कदाचार करने के कारण इन सभी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए परीक्षार्थियों में शैलेंद्र कुमार, कुंदन गोस्वामी, ऋषभ कुमार, अजय यादव, मोहित कुमार, अनिरुद्ध यादव और मधु कुमारी शामिल है। बता दें कि भागलपुर समेत बांका, जमुई, लखीसराय, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार समेत कई जगहों से करीब 3 दर्जन परीक्षार्थियों को कदाचार करते पकड़ा गया, जिसे निष्कासित कर कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से भागलपुर समाहरणालय के समीप स्थित एक होटल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ओलंपियाड के महत्व पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हमिंग वर्ड एजुकेशन लिमिटेड ने भी अपनी सहभागिता दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागलपुर नियोजन विभाग के उपनिदेशक भरत जी राम ने नई शिक्षा नीति 2020 को छात्र छात्राओं के साथ तमाम युवाओं के लिए बेहतर बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं के तकनीकी ज्ञान की गतिविधियों से परिपूर्ण है। भरत जी राम ने कहा कि हमिंग वर्ड एजुकेशन लिमिटेड ओलंपियाड के लिए एक बेहतर विकल्प है। वहीं कार्यक्रम में MLC डॉक्टर NK यादव ने नई शिक्षा नीति 2020 को जमीनी स्तर पर लाने में हमिंग वर्ड एजुकेशन लिमिटेड के प्रयासों की सराहना की। इसको लेकर एसोसिएशन के सचिव अरविंद कुमार सिंह ने भी हमिंग वर्ड एजुकेशन लिमिटेड के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हर विद्यालय को इस तरह का आयोजन करना चाहिए। इसके अलावा संस्था के CEO पीयूष खत्री ने कंपनी के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की, जबकि हमिंग वर्ड एजुकेशन लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर DK ठाकुर ने गरीब तबके के बच्चों को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संस्तुति पर मुफ्त ओलंपियाड कराने का आश्वासन दिया। मौके पर मोहम्मद समी अहमद, रामजी राय समेत काफी संख्या में एसोसिएशन एवं संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। आज की जो परिचर्चा थी, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और हमिंग बर्ड एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में न्यू एडुकेशन पॉलिसी 2020 और इसमें ओलंपियाड की भूमिका के विषय पर एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य बिंदु ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पूर्णतः हेड हार्ट एंड हैंड पर आधारित है, इन गतिविधियों पर आधारित है, साइकोमोटर स्किल्स, सोशल स्किल्स और 21st century के जो टेक्निकल स्किल्स हैं, इसको बढ़ाने के लिए जो वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं,
उसमें जो हमारा स्कूल का करिकुलम है उस करिकुलम में ओलंपियाड को एक हिस्सा बनाने के लिए इस कार्यक्रम पर ये फोकस किया गया कि प्रत्येक स्कूल में राइट फ्रॉम क्लास 1 to 12 ओलंपियाड जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए और इसमें हमिंगबर्ड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो एक उसका कोर एरिया है कोर सेक्टर है ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करना एकमात्र ऐसा ये BSC लिस्टेड कंपनी है जिसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है और इस तरह की गतिविधियां अगर हमिंगबर्ड के द्वारा प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक स्तर पर कराया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इससे बच्चों के मनोवैज्ञानिक सामाजिक सांस्कृतिक और जो सर्वांगीण विकास है जो शिक्षा का भी मूल उद्देश्य है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी यही इसका मूल उद्देश्य था। और इस सेमिनार का एक अहम बिंदु ये रहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अधिकांश यहाँ पे जो डायरेक्टर्स थे वो आए हुए हैं और सबकी एक सहमति है इस पर आम सहमति बनी और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करेगी। आज परिचर्चा हुई हमारे यहाँ उसका टॉपिक था होटल राजंस भागलपुर में नई शिक्षा नीति 2020 इसमें ओलंपियाड की क्या आवश्यकता है। ओलंपियाड सबसे पहले तो नई शिक्षा नीति 2020 वर्तमान की परिस्थिति में नितांत आवश्यक है। इसमें तकनीकी शिक्षा और साथ में प्रैक्टिकल्स पर पूरा ध्यान दिया गया है। ओलंपियाड इसका एक प्रमुख अंग और पार्ट है तो इसमें क्या है कि इसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में कई सारी कंपनियां हैं जो ओलंपियाड कराती है पर स्कूल को या और भी संस्थाएं जो ओलंपियाड करा रही हैं उनको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी संस्था का चयन करे जो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करे। उनका सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसका मापदंड नहीं हो उसका मापदंड उसके सर्वांगीण विकास पर उसका फोकस हो और उससे की तरह वो डिटेल रिजल्ट दे। मैं डॉक्टर डीके ठाकुर हमिंगबर्ड एजुकेशन में एज ए डायरेक्टर हूँ और अपनी केंद्रीय विद्यालय की 23 साल की नौकरी को छोड़ने के पश्चात मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है और मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर के तले जो आज ये मीटिंग हुई है और सबका जो सहयोग मिला है इसमें मुख्य रूप से श्री भरत जी राम सर जो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर भागलपुर के हैं और एक हमारे एक एक्सकेवियन भी हैं वो उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ लाया और हमें मौका दिया। इस कार्यक्रम के आयोजन करने में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री अरविंद सर और जो हमारे कोसी स्नातक क्षेत्र के MLC हैं श्री डॉक्टर एन के यादव सर उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया और हमें आश्वस्त किया कि वो हमें ओलंपियाड को हमिंगबर्ड ओलंपियाड को यहाँ विस्तार करने में और हमें सहयोग देने में पूरी मदद करेंगे। साथ ही मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको हम ओलंपियाड का एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पीयूष खत्री CEO फॉर हमिंगबर्ड एजुकेशन। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के थ्रू आयोजित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और रोल ऑफ ओलंपियाड्स के ऊपर उन्होंने अपने एक इवेंट प्लान किया और मैं बहुत आभारी हूँ पूरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की टीम का जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया कि हमिंगबर्ड एजुकेशन जो इंडिया की पहली BSE लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एजुकेशन सेक्टर में पिछले 14 साल से काम कर रही है और ओलंपियाड्स में ऑलरेडी हजारों स्कूल्स को पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर सर्व कर चुकी है आज आके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भागलपुर के बच्चों के लिए भी प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमें अवसर दिया। इसी के डिस्कशन में हम लोगों ने इस इवेंट में बच्चों के बेनिफिट किस तरीके से ओलंपियाड से हो सकते हैं और कैसे बच्चे इस प्रतिभा अपनी प्रतिभा को हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने अवार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम को जीत सकते हैं और अपनी स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं। इस पूरी एक्टिविटी को अच्छे रूप से बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए
हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है और हम चाहेंगे कि जितने भी एसोसिएटेड स्कूल्स हैं वो इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स अपने बच्चों के लिए उठाएं, और उसके लिए हमारा जो भी सहयोग हो पाएगा वो हम अपनी तरफ से जरूर करेंगे। बांका अमरपुर विधानसभा से पूर्व लोजपा प्रत्याशी रहे मृणाल शेखर ने फिर से भाजपा का दामन थामने का फैसला ले लिया है। इसको लेकर लोजपा नेता मृणाल शेखर अपने समर्थकों के साथ भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ मोड़ से पटना के लिए रवाना हो गए, जहां वे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। वहीं पटना रवाना होने के दौरान लोजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मृणाल शेखर ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि झोपड़ी के साथ कमल खिलाएंगे और आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए वो हजारों कार्यकर्ता के साथ पुनः भाजपा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही कहा कि स्नेह मिलन समारोह के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से मुलाकात कर भाजपा में शामिल होने की बात कही थी। मौके पर राम बहादुर सिंह, आनंद पांडे, अभय कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह सहित काफी संख्या में हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। हृदय से आभार है, और जैसा कि मैंने कल भी कहा कि बड़े बदलाव के लिए बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। हम लोग दिल से भले ही सब जुड़े हुए हैं, 2020 के चुनाव में एक परिस्थिति आई जिसकी वजह से चुनाव दूसरी पार्टी से लड़ना पड़ा, लेकिन मैं चिराग जी का भी बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने उस समय मुझे फोन करके और चुनाव लड़ा था। लेकिन हृदय से उस समय भी मैंने कहा था कि झोपड़ी में मुझे कमल खिलाना है। आप सभी मेरे साथ साथ चलेंगे, और अब यहां के बाद चूंकि 1 बजे हम लोगों को पटना पहुंचना है, हम लोग सीधे पटना में रुकेंगे। आप सभी मित्रों का बहुत साधुवाद। भागलपुर के पिपैती में महागठबंधन की ओर से शेरमारी प्रियदर्शनी भवन में राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत साह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत पर चर्चा करते हुए राजद के पूर्व विधायक रामविलास पासवान ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा का सफाया होना तय है, क्योंकि अब जनता अपना असली रूप दिखा रही है। कार्यक्रम का संचालन राजद नेता रमेश प्रसाद रमन ने किया। वहीं कांग्रेस की प्रचंड जीत और भाजपा की हार को सेलिब्रेट करते हुए महागठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मौके पर राजद के दक्षिणी मंडल अध्यक्ष सरजीत साह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष राजेश तिवारी, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, रमेश प्रसाद रमन समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक की जीत जो है बहुत सराहनीय है, और जो स्थिति में कर्नाटक में जो है जीत हुआ है, यह संकेत है, यह देश के लिए संकेत है कि प्रधानमंत्री इस मतलब जो है आपकी दौ जो है मोदी जी को जो है नहीं बनने देना है। ये कर्नाटक से शुरू हुआ और कर्नाटक से हवा बहेगा पूरे देश में, और मोदी सरकार आपकी दौ नहीं बनेगा। मोदी को इनकार दिया जनता, अब जो है अब मोदी अब फिर नहीं आने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।